जहां उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में संदिग्ध परिस्थिति में अचानक एक के बाद एक 12 लोगों की मौत से जिले में हड़कंप मच गया है। परिजनों का कहना है कि इनकी मौत ठंड की वजह से हुई है। अपर जिलाधिकारी अनिल सिंह भी जांच करने मौके पर पहुंचे थे, जिन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। किससे मौत हुई है तो पोस्टमार्टम से ही क्लियर होगा। तो अभी अब इन लोगों से हम बात कर रहे हैं कि कैसे इस तरफ चीज़ों को देखा जाएगा और इनकी क्या मदद की जा सकती है। राकेश के घर वाले बता रहे हैं कि ये भूमिहीन हैं और इनकी बेटी भी हैं, क्या है इसमें, कैसे सहायता होगी? अब अभी दिखवा ले रहे हैं, प्रधान से भी बात करें, लेखपाल भी हैं। अगर भूमिहीन है और ये बच्चे ही इनके हैं तो भूमि आवंटन इनको करा देंगे। और बेटी की बता रहे हैं कि शादी होने वाली थी, तो शादी अनुदान में माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो अनुदान मिल रहा है उसमें शादी अनुदान में भी इनको सहायता करें। परिजनों से बातचीत करने पर क्या निकल के आ रहा है? परिजन तो यही बता रहे हैं कि साहब इस तरह की बात है, ठंड से ही मौत हुई है। ढिढौरा पहले गए, वहाँ भी ये हुआ कि ठंड से देहांत हुआ है। यहाँ आए तो लोगों ने बताया रात में लोगों ने, दोनों लोगों ने खेतों में पानी लगाया था और आने के बाद अचानक लोग आग तापे, उसी के बाद फिर उल्टी हुई और फिर उसके बाद देहांत हो गया। क्या किसी तरह की कुछ शराब वराब की, कुछ अल्कोहल की बात आ रही है? नहीं, उनके परिवार वालों से भी बात किया गया, धान उधान से भी बात किया गया, बयान भी लिए गए, ऐसी कोई बात सामने